सोशल मीडिया पे दोस्तों एक सीनियर पत्रकार ने एक पोस्ट किया और इस पत्रकार ने लिखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है एक करेस्पोंडेंट की जरूरत है जो कि इंडिया के बारे में एंटी बातें लिखें, पीएम मोदी की इमेज को छवि को खराब करें और उसका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए कि वो एंटी इंडिया के विरुद्ध सारी बातें लिखे। अब इसी बात को लेकर दोस्तों कंगना रनौत को आया गुस्सा और इसी गुस्से के तहत उन्होंने प्रियंका चोपड़ा, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को बुरी तरीके से लताड़ दिया। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और स्वागत है आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और बॉलीवुड की क्वीन माने जाने वाली कंगना रनौत दोनों की ही अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा फैशन के बाद इन्होंने फिर से क्रिश्तरी में काम किया था और कोई भी इनके बीच में कड़वाहट भरी बातें नहीं थी, कोई भी किसी तरीके की बातें नहीं थी। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं तो प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत जो है आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में इनकी दोस्ती खत्म सी हो गई है ऐसा लग रहा है। और ऐसा ये भी लग रहा है क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जो कर रही है उसी पर कंगना रनौत ने टिप्पणी मारी है। अब इसी पोस्ट को शेयर करते हुए कंगना कहती है, मैं हिंदी में बताता हूं, लेकिन ये पत्रकारिता नहीं है, ये हर फील्ड में है। जिस तरह प्रियंका चोपड़ा नेशनलिस्ट होकर सेक्युलर पपी बन गई है, मोदी जी की सबसे बड़ी फैन से उनकी आलोचक और हेटर तक बन गई है, ये सब जाहिर है। बेसिकली रोटी के लिए दुनिया नाचती है, अपने देश में आजादी तो है ही तो कुछ भी बोलो। तो यहां पर दोस्तों साफ तौर पे प्रियंका चोपड़ा को नेशनलिस्ट ना कहते हुए कंगना रनौत कहती है कि ये सेक्युलर पपी बन गई है। अब दोस्तों ये तो बेहतर प्रियंका चोपड़ा ही जानती है कि प्रियंका चोपड़ा इस बात पर क्या जवाब देती हैं। आपका क्या रिएक्शन है मुझे जरूर बताइएगा और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स।